हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर के आ चुका हूँ, जिसका बेसब्री से इंतजार था हजारों छात्रों को। वो रिजल्ट आज जारी हो चुका है। जी हाँ, जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, PCS 2020 इंटरव्यू समाप्त होने को थे और इस बीच आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो खुशखबरी मिल चुकी है और आयोग ने फाइनली तौर पर रिजल्ट जारी कर दिया है। खबरें यहाँ से भी आप देख सकते हैं, है ना। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इन रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ETC एग्जाम 2016। तो 2016 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना देख सकते हैं, रोल नंबर वहां पर चेक कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार आपको अपडेट ऐसे सबसे पहले राहुल वाईफाई डिजिटल के माध्यम से पहुँचाया जा सके। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ये नोटिस है, आप सभी लोग देख सकते हैं। दिनांक 5 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, असामान्य चयन विशेषण बैकलाग परीक्षा 2016 की मुख्य परीक्षा दिनांक 22 और 23 फरवरी 2020 को आयोग द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 4,881 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हुए तो अनिवार्य अधिमान अर्हता हेतु टंकर परीक्षा 23, 24 और 25 फरवरी क्रमशः 2021 को आयोजित की गई थी। प्रश्नगत परीक्षा 303 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 260 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। शेष 43 रिक्तियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनभरी रह गई हैं, यानी रिक्त चली गई हैं, जिसे अग्रणित किया गया है। परीक्षा परिणाम सर्वसाधारण से अवलोकनार्थ आयोग, जैसा मैंने बताया, साइट पर आ चुकी है, upsc.up.nic.in पर चीज़ें हैं। यहाँ से दो नंबर पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम पूर्णतया औपबंधिक है। सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र इत्यादि के सत्यापन के बाद ही संतुष्टि पत्र प्रेषित किए जाएंगे और मूल प्रमाण पत्र पत्रात के सत्यापन हेतु पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक और श्रेणी व कटाव अंक की सूचनाएँ संतुष्टि प्रेषित करने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिलेगी, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं मिलेगी, है ना। जगदीश सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, फाइनल रिजल्ट 2016 के संबंध में है। आई होप एक खबर आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो सुबह जैसा कि आपको बताया भी गया था, वो फाइनल तौर पर रिजल्ट आ चुका है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर इसको। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।